अभी तक तुम खेल रहे हो, क्या तुमने लंच किया? मुझे मैं करने ही वाला था। करने ही वाला का क्या मतलब है? अरे जी छोड़ो ना, मुझे दर्द हो रही है। अच्छा चल मैं तुझे खिला देती हूँ। श्रुति और गौरव डायरेक्टर साहब आपको बुलाए हैं, आप डायरेक्टर ऑफिस में जाइए। यस श्रुति, कम इन। वेल डन श्रुति, नीरज सर बता रहे थे तुम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छे है और पिछले वर्ष की तुलना में इस बार काफी अच्छे है। तो मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों को अगली क्लास में प्रमोट कर दूं, पर इससे पहले तुम्हारे भैया से बात करना चाहता हूँ। ओके सर। ठीक है, कल अपने भैया को स्कूल बुला कर लाना। थैंक यू सर। भैया भैया ये देखिए मेरा रिजल्ट, मैं पास हो गया। अरे वाह, और तुम्हारा? मुझे क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। काश अगर मम्मी पापा होते तो उन्हें भी अच्छा लगता। अच्छा ये लो और अंदर जाके खाना खा लेना, ठीक है? मैं जरा आता हूँ बाजार से, मुझे काम है। और हाँ छोटू को भी खिला देना। अरे इतनी देर हो गई, अभी तक तुम सोई नहीं? वो भैया मैं सोने ही वाली थी, बस एक क्वेश्चन और। अच्छा ठीक है, लाइट बंद करके सो जाना। ठीक है भैया। अरे टिफिन ली? जी भैया ले ली। अच्छा ठीक है, आराम से जाना। अरे हाँ भैया, प्रिंसिपल सर हम लोग का रिजल्ट देखकर बहुत खुश हुए, इसलिए वो अगली क्लास में प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है तुम लोग दोनों जाओ, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। ठीक है भाई। ठीक है। जी सर कहिए, क्या काम है? वो प्रिंसिपल सर बुलाए थे। देखिए प्रिंसिपल सर तो नहीं है, डायरेक्टर सर हैं, हम उनसे पूछ के आते हैं। यहाँ पे हम बैठे हैं। ठीक है जाइए, सर बुला रहे हैं। नमस्ते सर। हाँ ना जाइए बैठिए। देखिए सर ये श्रुति के भैया हैं, आप ही इनको श्रुति के बारे में बताएं। देखिए सर आपके जो भाई बहन हैं दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट हैं, दोनों का अपने क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। देखिए सर हम तो उतना कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर जानते हैं कि ये दोनों अच्छा करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। काश आज हमारे मम्मी पापा होते तो वो भी देखकर बहुत खुश होते, उन्हें भी गर्व होता, पर अफसोस कि वो आज नहीं है। देखिए आनंद जी, आज के ज़माने में आपके जैसा भाई बहुत कम लोगों को नसीब होती है, सो प्लीज़ आप निश्चित रहें, आपके भाई बहन एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जो बच्चों के भविष्य की चिंता करती है, ना कि पैसों के पीछे भागती है। यहाँ के बच्चों को पढ़ाई से लेकर उनकी काबिलियत पर फोकस की जाती है। यहाँ स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जाती है ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हो। देखिए सर आप टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ इन दोनों को घर पर ध्यान दीजिए। भैया मैं आराधना के घर से एक नोट कॉपी लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, पहले खाना खाई? जी भैया। ठीक है जाओ।
हाय आराधना। हाय श्रुति, तुम्हारे पास फोन? अरे हाँ, ये मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किए हैं। वाह। अरे हाँ, तो यहाँ क्यों आई थी? मुझे ना तुम्हारा इंग्लिश का नोट चाहिए था। ओके, मैं देती हूँ। अरे हाँ, तुम्हारा हिंदी का बन गया? हाँ, वो तो कब का बन गया, बस इंग्लिश का ही नहीं बना था। ओके ले, थैंक यू। भैया, कल मेरा बर्थडे है और मुझे भी गिफ्ट में फ़ोन चाहिए। फ़ोन? तुम अभी फ़ोन क्या करोगी? अभी तुम्हें पढ़ाई करना है, अभी चुपचाप से पढ़ाई करो, तुम्हें फ़ोन नहीं मिलेगा अभी। नहीं, मुझे चाहिए बस। आराधना के पापा ने कल उसके बर्थडे पे फ़ोन गिफ्ट किया और मुझे भी चाहिए। बोला ना अभी फ़ोन नहीं मिलेगा, समझ में नहीं आता एक बार में? अगर पापा होते तो फ़ोन जरूर मिलेगा। बस बस, अब खुश है ना? चलो ठीक है, जाओ पढ़ाई करो। तुम अब तक फोन चला रही हो? टाइम देखा कितना हुआ है? ओ भैया, आप जाइए, हम सो जाएंगे। अरे हाँ भैया, हाँ हाँ, मैं आपके पैसे जल्द लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं लौटा दूंगा। किसको पैसे दे दो भैया? अरे नहीं तो, तुम स्कूल जाओ। आपने कर्ज लेकर मुझे फोन गिफ्ट किया है भैया। कर्ज नहीं तो, बोला ना तुम्हें स्कूल जा, वरना लेट हो जाएगी। चलो जाओ। ठीक है भैया। सॉरी भैया, मुझे फ़ोन नहीं मांगना चाहिए था। अरे क्या हुआ, तुम स्कूल जाने में लेट नहीं हो रही है? पहले आप ये फोन तो करिए बस, अब मुझे फोन नहीं चाहिए। रुक भाई, मैं भी आ रही हूँ। नमस्कार, मैं अभिषेक केसरी, पेशे से एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। आज मेरे करियर का 12 वर्ष पूरा हो चुका है। इन 12 वर्षों में मैंने शिक्षा के क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन देखा। एक समय था कि गिने चुने बच्चे ही अच्छे नंबर या फर्स्ट डिवीज़न से पास होते थे, परंतु आज गिने चुने बच्चे ही कम नंबर या फेल होते हैं। इसका श्रेय हमारे युवा शिक्षक साथियों को जाता है।
युवा शिक्षक साथियों ने आधुनिक तकनीकों से बच्चों को सरलतापूर्वक पढ़ाने का काम किए हैं, जिससे बच्चे के अंदर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत हुई है। परंतु आज शिक्षा का दुश्मन हमारे समाज में पैदा ले चुका है, यानी मोबाइल। मोबाइल देखा जाए तो बहुत ही उपयोगी है, परंतु ये विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है। आज अधिकांश बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा समय मोबाइल पे देते हैं, जो उनके कैरियर को नष्ट कर देगा। शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि वो अपने संस्थान में मोबाइल पे प्रतिबंध लगाएं, जिससे बच्चे को अधिकतम ध्यान पढ़ाई पे लगे। अभिभावकों से भी नम्र निवेदन है कि वे अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखें। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब उन्हें कॉलेजों में नामांकन करवाया जाए तो ही उन्हें मोबाइल रखने का अनुमति प्रदान करें। हमारे इस की सरकार से भी एक विनती है कि वो इस पे विचार करें, अन्यथा आज जिस प्रकार बच्चे मोबाइल के दीवाना हो रहे हैं वो अच्छे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। नमस्कार।